प्यारे बच्चों, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति जो आपका ग्रुप बी किताब है उसी से एमसीक्यू प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ। ये ऑफिशियली जारी किया गया है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला अध्याय आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो 1949 में। किस भाषा के आधार पर 1993 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तेलुगु। भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो हैदराबाद। संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची। लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों थी? तो सांप्रदायिक दंगों के कारण। किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो माउंटबेटन योजना। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोटी श्री रामुल्लू की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद हो गई? तो 56 दिन। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? निजाम। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही नामक आंदोलन कब चलाया? 1946। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? हरी सिंह। संविधान के किस संशोधन के द्वारा चार भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वां संशोधन 2003 में। दूसरा चैप्टर है एक दलीय प्रभुत्व का युग। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई? तो अनुच्छेद 324। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लागू किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929। कामराज योजना कांग्रेस द्वारा कब लागू किया गया था? 1963। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो गांधी का सर्वोदय समाजवाद। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कौन सा राज्य में बना? केरल। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का कब अवसर मिला? तो 1967 के चौथे चुनाव के बाद। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? 1980। किस राजनीति दल ने भारत में पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई? 1951। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की रणनीति। तो बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है? तो इसका है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1951 से 1956। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश के नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो सोवियत संघ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल के मंत्री। उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? नरसिम्हा राव ने। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस फसल में हुआ? गेहूँ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो दूध के उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? गुजरात। चौथा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध।
स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? 1955। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। सिंधु जल संधि 1960 में किनके बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान। इफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1955 वाडुंग में। पंसिल समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूटकर कब अलग हुई? 1964। सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने। शिमला समझौता में भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974। परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी तो 1968। पांचवा चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और स्थापना। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। कांग्रेस के किस नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो मुरारजी देसाई। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जनवरी 1966 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ताशकंद। शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी? तो मुरारजी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1980। इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बातें सही है? तो सभी बातें सही है। सन 1966 से 77 और सन 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। फिर सन 1964 से 66 में मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री पद पर रही। फिर 1967 से 1971 और 1980 में अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाई। तीनों हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। 20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है? तो सन 1960 के दशक। नेहरू जी के मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? आमराज। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया है? तो चौथा आम चुनाव। 1967 के चुनाव के बारे में निम्न में कौन कौन से कथन सही है? तो कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टी के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो उपरोक्त सभी। ये तीनों देख लीजिए। 1971 ईस्वी के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इन चुनाव से पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। 1971 ईस्वी के ग्रेट अलसियास के बारे में कौन सा कथन ठीक है? तो इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। शास्त्री के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? तो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। सिंडिकेट नाम से किसे संबोधित किया था? कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस चुनाव चिन्ह क्या था? तो दो बैलों की जोड़ी। मेनकाइड एवं जन के संस्थापक संपादक थे तो राम मनोहर लोहिया। छठा चैप्टर है, इसको आप लोग देख ले। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, क्या कि समय अब ज़्यादा नहीं है, हमको भी थोड़ा स्कूल जाने में लेट हो रहा है।